अच्छा आपके लड़का से बात हुई थी? नहीं फोन तो नहीं करे। फोन नहीं करता है? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं साफ है ना। जब निकला वहाँ से उस समय तो ट्यूशन पढ़े ले तो बात खेल के किया था। हाँ फिर से नहीं खेले उस समय से नहीं किया। नहीं। अच्छा कोई कोई इस तरह का कोई बात जो लगता हो कि वो नाराज हो गया हो फोन हो कर। तो दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं पंडौल प्रखंड के शाहपुर गांव में। जी हाँ आप सभी देख रहे हैं मधुबनी हलचल न्यूज। मैं सिराज आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। इस समय एक ऐसा मामला देखने को मिला है, एक 30 साल का लड़का 35 दिनों से लापता है। जी हाँ यहाँ उनके पिताजी मौजूद है, उनकी बूढ़ी माता मौजूद है, साथ ही साथ बेबस उनकी पत्नी भी मौजूद है। आइए इन सभी से जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका चाचा? मोहम्मद जानी। जी जानी। गांव का नाम क्या है? शाहपुर। शाहपुर। क्या नाम था आपके लड़के का? मोहम्मद सुल्तान। कब से लापता है? 1 तारीख से, नया साल दिन से। नया साल दिन से। कहाँ रहता था? बम्बई में रहता था। मुंबई में। क्या काम करता था? होटल में था। होटल में। जब वो घर से निकला होटल से तो आया बोलकर निकला था? जब हम घर आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, स्टेशन आया। जी जी। 1 जनवरी को। 1 जनवरी को जी जो परिवार से बातचीत किया और उसका बाद जो मोबाइल बंद हुआ वो मोबाइल बंद है अभी तक। अभी तक बंद है। अभी तक। आप लोग खोजबीन किए? हाँ खोजबीन किए, कहीं पता नहीं मिल रहा है हम लोग को। और भी जो लोग हैं उनके, मुंबई में कहाँ रहता था वो? मुंबई में अब कहाँ रहता है मालूम नहीं। जी जी। कब से मुंबई रह रहा था? मुंबई रह रहा है 2-3 साल से। 2-3 साल। और दूसरा शहर रहता था पहले। अच्छा और भी जो आपके जानने वाले वहाँ हैं उनको कहें उस जगह पे जाके देखने के लिए? वो जगह पर अकेले था। अकेले था। कितना लड़का था आपका? एक ही लड़का है। एक ही लड़का था? जी एक ही लड़का है। एक ही? हाँ जी। पता चला विकलांग है? हाँ जी हम विकलांग है। और घर का लालन पोषण किस तरीका से? वही लड़का चलाता था ना? वही चला। हाँ सुल्तान ने चलाता था। तो देख सकते हैं एक ऐसे पिता जिनके पास इकलौता संतान, वो भी लड़का हो चुका है, उनके परिवार का क्या होगा। जी हाँ जिनके पास 2-3 लड़के होते हैं तो सोचते हैं एक अगर किसी हादसे में चला गया हो या निकम्मा हो गया हो या फिर घर से बेघर हो गया हो दूसरे पे आश्रित हो सकते हैं। इनके पास वो भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लड़का, वो भी खो चुका है। पूरे परिवार वाले को 35 दिनों से उनका कोई ट्रेस नहीं मिला है। अपने स्तर से इन्होंने पूरी कोशिश की है। देख सकते हैं बूढ़ी माता के आंखों से वो ममता झलक रही है जिनको बयान नहीं किया जा सकता है। हमारे भी जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पूरे इंडिया में शेयर करें, इंडिया से बाहर भी शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब जहां हो सके आप सभी इस माँ के लिए हमारी निवेदन को नहीं सुनकर इस माँ के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पिछली बार जब हम लोग रघेपुरा बिस्फी का एक वीडियो बनाए थे, एक लड़का खो गया था, वीडियो को देखकर वो लड़का मिला। आप हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे भारत के जनता है उनसे हम विनम्र निवेदन फिर से कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। आइए उनकी माता है उनसे जानते हैं क्या कहना चाहती है। क्या नाम हुआ आपका? बचनी खातून। अच्छा आपके लड़का से बात हुई थी? नहीं फोन तो नहीं करे। फोन नहीं करता है? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं साफ है ना। जब निकला वहां से उस समय तो ट्यूशन पढ़े ले तो बात खेल के किया था? हाँ फिर से नहीं खेले उस समय से नहीं किया। नहीं। अच्छा कोई कोई इस तरह का कोई बात जो लगता हो तो वो नाराज हो गया हो? फोन करते ना। फोन तो करना चाहिए। नहीं करे हिसाब। ऐसा पहले भी कभी हुआ था जो महीना 2 महीना के लिए फोन बंद कर लिया हो? नहीं कभी हो नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं। देख सकते हैं एक विचित्र बात है, कोई लड़का बाहर शहर रह रहा हो, पत्नी उनके उनकी है और 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। जी हाँ उनसे आज तक कोई बात नहीं, बीते 35 दिनों में एक निंदनीय घटना है, एक सोचने से पड़े है। आइए उनकी पत्नी से जानते हैं लास्ट टाइम जब उनसे बात हुई तो क्या क्या बातें हुई आपका? सब वो खत्म। कब हुई थी बात? 1 तारीख है। कोई इस तरह का बात जिनसे वो नाराज हो गए हो? ना कुछ हो नहीं, 1 तारीख 9 साल के लिए। अच्छा क्या सब बोल के निकले थे? कल के हम घर आवे छी। घर आ रहे हैं। और क्या सब लेके आ रहे थे? बुआ और लकपरा छे। अच्छा और कुछ होने चाहिए? उनके पास पैसा उसा भी था? हाँ पैसा छे। कितना पैसा था? 8,000 रुपया। और साथ में वह कपड़ा लता छे, मोबाइल छे, 4,000 रुपया। मोबाइल भी था? हम्म। तो पैसा 8,000 रुपया था? हाँ। कोई नोक झोंक किसी तरह का बात बहस हुआ था? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ था? कुछ नहीं भेल छे। कुछ नहीं हुआ था। कल के हम आवे छी घर, घर गेले छुइट स्टेशन पर का जे भेले से कतो। ओ तो मोबाइल बंद उसी रात से? हाँ मोबाइल बंद वह रात से, 1 तारीख से। 1 तारीख से? हाँ 1 तारीख से मोबाइल बंद है। आपने दुख भरी दर्द कहानी सुनी। हम सभी हमारे जो भी दर्शक है उनसे फिर मैं एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि देख सकते हैं पीछे
फूस का घर, टूटा फूटा कच्चा मकान है, छोटे छोटे तीन मासूम बच्चे हैं जिनके पिताजी खो चुके हैं, बूढ़े बाप है जिनका कोई सहारा नहीं, इकलौता बेटा था वो भी विकलांग है उनके पिताजी, साथ ही साथ बूढ़ी माँ है ये भी सेहत से बिल्कुल लाचार है। जितना ज्यादा हो सके हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे मधुबनी हलचल न्यूज।